हेलो उत्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो, तुम लोगों का जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। डिमोटिवेशन तो हालांकि देख के लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, मेरा दिल ऐसा धक धक हो रहा है जोर से। तो जाओ और कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ जाते हैं सीधा ही पिछले एपिसोड में। काफी शानदार एपिसोड था, और हमने देखा हुआ होता है पिछले एपिसोड में कि जो यान के मैटर को समझकर जो एससी होती है कहती है, ऐसा लग रहा होता कि कोई इसे ठरकी को ढूंढते हुए आ रहा है। वो अपने क्लोन को उल्टा सीधा तैयार करती है, खूसट बुढ़े में बदल देती है, और इसके बाद उसे भेज देती है कि जाओ। अब कहाँ भेजा ये हमको नहीं बताया गया है, राइटर ने भी नहीं बताया। बस ये बताया गया है कि सी यहाँ पे प्लान कर रही थी कि बस कैसे जियान की इज्जत लूटी जाए। भाई ये लड़की पक्का लूटेगी जियान को। हालांकि सी की प्लानिंग के बाद हमें दिखाया गया होता है जियो यान, जिसके पास होती है फिल, और वो लोग जा रहे होते हैं पॉइजन बैरियर की तरफ, क्योंकि अब मैटर तो अंगला वहीं पे होना था। पॉइजन बैरियर की तरफ जाते ही जियो यान के जो बाकी के लोग होते हैं वहां पे देखते हैं कि पॉइजन वॉइजन खत्म हो चुका है, और जो सैन पहले से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और पॉइजन एक जगह पर कंडेंस है। तभी अचानक आवाज आती है, यो हाइनेस, तो ये आप हैं। जो देखकर जान की खड़े खड़े हालत खराब हो जाती है कि साला हमको पहचान गया। तभी निंग्याओ तुरंत ही कहता, ओए इमॉर्टल डिजायर, ये का बकवास है बे, तुम कहीं हमको इमॉर्टल डिजायर ब्रेक थ्रू करा दोगी? उस पे कौन से लेवल पे था बे? हाँ, इमॉर्टल गॉड लेवल पे, अभी तक हम ना पहुंचे। जो देखकर डिजायर कहती, देख भाई, मेरा काम था तेरी सोल की बेड़ियों को तोड़ना, तेरे को इमॉर्टल लेवल पर पहुंचाने का मेरा मसला ना है। जो देखकर कहता, यार देख लो यार, कुछ हो जाए तो। जो देखकर डिजाइन ने कहा था, ठीक है फिर तुमको बिना किसी कमेंट के मेरे साथ यहीं हमेशा रहना पड़ेगा, और इस वर्ल्ड को बाहर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो देखकर बेचारा ना चाहते हुए भी आखिरकार हाँ में हाँ हिला देता है, क्योंकि उसे पता था सामने यो हाइनेस खड़ा हुआ है, अगर वो ब्रेक थ्रू नहीं करेगा तो पेल दिया जाएगा। जिसके बाद उसकी पावर में ब्रेक थ्रू होता है, वो एक सांप के साथ फ्यूज होकर जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जियान अपने चमन चूतियों को कहता है, चलो यहाँ से बाहर निकलो, फॉग के बाहर ले जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पिल को स्वेलो करता है, और इसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ जो यान ने गोल्डन फैंटम बॉडी भी अपीयर कर ली थी। तो आओ देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो भीड़ लोग, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जॉन ने गोल्डन बॉडी अपीयर कर ली है। हालांकि जॉन की जो बॉडी थी वो प्योर गोल्डन तो नहीं लग रही होती, लेकिन उससे गोल्डन लाइट शाइन हो रही थी। साथ ही ये जो साइज होती है, ये जो साइज थी अपने आप में दुनिया हिला देने के लिए पर्याप्त होता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को उठाकर उस पॉइजनस पाइथन की नटाई पकड़ लेता है, गला पकड़ लेता है। साथ ही जो वो अपने पॉइजनस स्केल के साथ जॉन की बॉडी में अटैक कर रहा होता है, टन टुन झन झन आवाज आ रही होती, बाकी कुछ नहीं हो रहा होता। चारों तरफ चिंगारियां ही चिंगारियां उड़ रही होती। जॉन की बॉडी और स्केल में हल्का सा छेद भी नहीं हुआ था। साथ ही एक्सट्रीम थंडर का यूज करते हुए जॉन काफी ज्यादा फास्ट भी होता है, और जॉन ने अपनी स्पीड के साथ 7 इंच के पॉइजनस पाइथन को पकड़ लिया। कौन वाला पाइथन पकड़वा दिया बे? ये कौन सा पाइथन है जो 7 इंच का है? जॉन ने एक हाथ से इसका मुंह, दूसरे हाथ से जॉन ने इसकी पूंछ पकड़ी हुई होती है। जो देखकर लॉन्ग व्याव तुरंत ही कहते हैं, ये हरकत इतनी भद्दी क्यों लग रही है, मास्टर क्या करने वाले हैं सांप का? लॉन्ग व्याव के चेहरे के जो इंप्रेशन होते हैं वो काफी अजीब होते हैं, लेकिन स्माइल काफी ज्यादा शांत। और वो जॉन की गोल्डन बॉडी को देखकर और इस पॉइजनस स्केल को स्नेक को उसके हाथ के अंदर देखकर थोड़ा सा डरा हुआ भी महसूस कर रहा होता है। जहां तक जोंग और बाकी लोगों के इंप्रेशन भी इतने ही अजीब होते हैं, लेकिन वो तभी देखते जो यान पूंछ से पकड़ के सांप को लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट पटक रहा होता है। इतनी जोर जोर से जो यान ने उसे पटका होता है कि सांप का सिर फटकर फ्लावर पॉट हो चुका होता है, और एक क्लिक की आवाज के साथ ये जो पाइथन होता है ये पूरा का पूरा फट गया होता है। इसके फटने के बाद मांस खून पॉइजन चारों तरफ फैल जाता है, और एक फिगर दिखाई देती है जो पीछे की तरफ भागती है, और ये एम्बेस फिगर कोई और नहीं बल्कि होता है निंग्याओ, जो लड़खड़ा कर अपनी फिगर को स्टेबल करता है। मुंह से खून बह रहा होता है, और उदास होकर वो जो यान की तरफ देखता है, वो तुरंत ही कहता है, ये ओरिजन गॉड है। जॉन की जायंट फिगर को देखकर उसे पता था कि ये नॉर्मल फिगर तो नहीं हो सकती। निंग्याओ की आंखों में जॉन का 8 मिस्टीरियस हैवी जॉन रूलर गायब होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद जॉन कहता है, चलो ये एशियंट रूलर टेक्निक आजमाने का सही टाइम होना चाहिए, जिसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सीखा है। तुम लोग को पता है ना, ये स्रॉट टेक्निक है जिसे जॉन ने रूलर टेक्निक में चेंज कर दिया है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, क्यान क्यू स्लैश
आई मीन स्माइलिंग सी स्लैश, ये ज्यादा बेटर है। और इसके बाद एक तेज ब्रीथ के साथ जॉन अपने हाथ को रूलर को उठाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ एक रूलर टेक्निक परफॉर्म करता है। और ये जो जायंट रूलर टेक्निक होती है जो यान के पिछले सभी रूलर टेक्निक से एकदम अलग होती है, क्योंकि ये स्रॉड से ट्रांसफॉर्म की गई रूलर टेक्निक थी। हालांकि अंतर बड़ा नहीं था क्योंकि स्रॉड का मोटिव भी एक ही होता है। जॉन जब इस स्लैश अटैक को करता है तो इसके अंदर जो पावर ऑफ लॉ और स्पीड होती है वो अनइमेजिनेबल होती है। साथ ये कितनी पावरफुल होगी और कितनी पावरफुल नहीं, ये पूरी तरीके से जोयान की समझ और यूज करने की इंटेंट और पावर पर डिपेंड करती थी। बेशक इस बार जोयान ने बिना किसी चिंता के इस अटैक को चार्ज किया होता है। जोयान को अपना वेपन बदलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डुइकी कॉन्टिनेंट में मास्टर यावलाओ द्वारा दिया गया हैवी जोयान रूलर जोयान का मेन वेपन बन चुका था, जिसे जोयान ने अभी तक यूज किया था। और इस वेपन ने जोयान को कभी भी उदास भी नहीं किया। साथ ही ये जो स्लैश अटैक होता है, इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है आसपास के वर्ल्ड की टाइम पावर और सभी पावर को इकट्ठा करते हुए सीधा ही निंग्याओ की तरफ बढ़ रहा हो। निंग्याओ इस जलते हुए अटैक को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी आंखें एकदम कंडेंस होती जा रही होती और वो अपने कोई और को तुरंत ही कंडेंस करने लगता है और स्ट्रॉन्ग शैडो को अपीयर करता है। लेकिन ये अटैक ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे ये निंग्याओ को अभी दो टुकड़ों में काट देगा। इसीलिए निंग्याओ तुरंत ही कहता है, मेरे पास भी एक एशियन बैटल स्किल है योर हाइनेस। जिसके बाद निंग्याओ अपने हाथों को एक साथ जोड़ता है और अचानक उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगते हैं। हथेलियों के बीच से एक वाजनस निडल दिखाई देती है जो सीधा ही दहाड़ते हुए जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही जैसे ही पॉइजनस निडल उड़ी होती है, अचानक इसने पॉइजनस ग्रीन टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया होता है। ये निडल बहुत तेजी से घूम रही थी और सीधे ही जोयान की तरफ बढ़ती जा रही थी। हालांकि जॉन ने फर्स्ट फीट अटैक जब यूज किया था तो उसकी बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे और चेंजेस। स्पष्ट तौर पर जोयान को हल्का सा पॉइजन महसूस हुआ था, लेकिन जोयान पॉइजन बैरियर से बाहर था। साथ ही फिल ने अपने इफेक्ट को शो करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पॉइजन चुपचाप जॉन की बॉडी में अभी भी धीरे धीरे फैल रहा था। इसीलिए जॉन को एक चीज तो कन्फर्म थी कि वो निंग्याओ के साथ अब और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। उसे निंग्याओ से निपटने के लिए सबसे कम टाइम और सबसे खतरनाक पावर यूज करनी पड़ेगी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि निंग्याओ जॉन को चैलेंज दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में जॉन की बॉडी में अपने पॉइजन को धीरे धीरे इंटर करा देना चाहता है ताकि जोयान को मारना आसान हो सके। यहाँ पे जोयान जो होता है वो फिर से एक एंटी ऑक्सीडेंट पिल को स्वेलो कर लेता है। हालांकि जॉन ने इसे निगला नहीं होता, लेकिन सावधानी से इसे जॉन ने अभी अब तक अपने मुंह के अंदर ही रखा हुआ होता है हर एक समय में सावधान रहने के लिए। साथ ही जैसे ये पॉइजनस निडल जॉन की तरफ बढ़ती हुई आ रही होती है, जोयान ने एट मिस्टेस बाहुआंग रूलर को कसकर पकड़ लिया होता है। हालांकि जोयान के पास मौजूद एक्सट्रीम थंडर और हार्ट ऑफ फ्लेम दोनों ही खतरनाक तरीके से जॉन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे थंडर हवा में 1000 फीट के एरिया के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही होती है। साथ ही जॉन द्वारा दिया गया जो स्रॉड स्लैश अटैक होता है वो जॉन की थंडर पावर का यूज कर रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे जोयान भी अपने रूलर का यूज थंडर पावर को चार्ज करने के लिए कर रहा था और अनगिनत थंडर वोल्ट्स को अपने रूलर के अंदर कंडेंस करके जॉन सीधा ही आसमान की तरफ उड़ जाता है। और ये देखकर निंग्याओ ने अपने हथेली को घुमाया होता और एक रेड कलर का पॉइजनस स्कॉर्पियन दिखाई देता है। यह कोई और नहीं बल्कि रियल स्कॉर्पियन नहीं होता बल्कि निंग्याओ की बैटल स्किल में बदला हुआ एक पॉइजनस वेपन होता है। साथ ही निंग्याओ के हाथ के झटके के साथ ये जो पॉइजनस स्कॉर्पियन होता है उड़ते हुए सीधा ही निडल के उसे टॉर्नेडो के अंदर चला गया होता है, जिसके बाद अचानक ही हवा में जाते ही सैकड़ों फीट का हो जाता है और अपने पीछे के चिमटे हिलाते हुए जोयान के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी निंग्याओ तुरंत ही कहता है, ये तरीके बहुत कमजोर हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी पावर को टेस्ट कर रहे हैं। निंग्याओ की आंखें सिकुड़ी हुई होती हैं। जैसे जोयान द्वारा यूज किए जा रहे बैटल स्किल अभी भी उसकी समझ और औकात से बहुत छोटे महसूस हो रहे हो, जिससे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जिन अटैकों का जो यान ने यूज किया था उनसे फाइट बैक करने के लिए निंग्याओ ने जो अटैक यूज किए थे वो हैवी अटैक यूज कर दिए थे। मतलब अच्छा ये वाला अटैक किया है, लो ये वाला ले लो। उसने कोई सोच समझ किया सीरियस होकर अभी तक फाइट नहीं करी थी। निंग्याओ फिर से अपने हाथ को लहराता है और एक पॉइजनस पाइथन फिर से अपेयर होता है और वो रुका नहीं होता बल्कि सीरियस तरीके से जो यान की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही वो इन सभी क्रिएचर्स को अपने दिमाग के एक थॉट के साथ क्रिएट कर सकता था और हवा में बना सकता था, जिसके बाद पॉइजनस स्कॉर्पियन, पॉइजनस पाइथन, पॉइजनस मेढक, पॉइजनस मकड़ी, जो जो कुछ भी होता है सभी यहाँ पे फैल चुके होते हैं।
जो देखकर जॉन की वो है हल्की हो चुकी होती है। जब जॉन ने आप स्कॉर्पियन को पेला हुआ होता है तो अचानक ही वो पॉइजनस मिस्ट में बदल गई होती है और आसपास फैल गई होती है, जो देखकर जोंगू और बाकी के लोगों को एक बार फिर से पीछे की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इसे पॉइजन के टच में नहीं आना चाहते थे। साथ ही साथ जैसे ही यह पॉइजन मिस्ट यहाँ पे फैलती है, आसपास उगने वाली हर एक चीज पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और सूख गई होती है। हालांकि इन सभी के अंदर भी पॉइजन एट्रीब्यूट था लेकिन कमजोर, और जब निंग याओ द्वारा छोड़ा गया पॉइजन मिस्ट जो कि फुल पॉइजन से भरा हुआ था, जब इनके टच में आता है तो ये डिस्ट्रॉय हो गए होते, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि निंग याओ का पॉइजन कितना खतरनाक है। हालांकि यहाँ पे जॉन भी थोड़ा सा पीछे हटा होता है और रूलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है। जॉन की जो आंखें होती है एकदम कमिटेड दिखाई दे रही होती है, जिसके बाद जॉन अटैक चार्ज करते हुए कहता है 1 फीट स्काई ब्रेकिंग रूलर। चारों ओर से अटैक कर रहे अलग अलग टाइम के पॉइजन और इंसेक्ट को देखकर जोयान तुरंत ही 3 फीट अटैक चार्ज कर देता है। जोयान के 3 फीट अटैक से टकराने के बाद जोयान के पैर के नीचे सभी टाइप के जो पॉइजन इंसेक्ट होते हैं दे दनादन ब्लास्ट हो जाते हैं और पॉइजन चारों तरफ फैल गया होता है। साथ ही इस पॉइजन को देख रहे अपने आप में काफी घटिया होता है, क्योंकि साले मर तो रहे होते हैं लेकिन मरने के बाद भी अपनी गंदगी फैला रहे होते हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदायक थी। हालांकि जॉन ने पेलने के बाद अभी भी दूर खड़ा होता है, जो देखकर जॉन भी तुरंत ही कहता है मुझे नहीं पता निंग्याओ ये किस तरीके के पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये चुपचाप मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है, मुझे इससे लड़ते हुए पीछे भी हटना ही होगा, मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर इसके साथ ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर सकता। हालांकि जॉन को दूर जाता हुआ देखकर निंग्याओ थोड़ा सा उदास लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जॉन का पीछा करता है। दूसरा जॉन कहता है पॉइजन मेरी बॉडी के एक तिहाई हिस्से तक इंटर कर चुका है और जब मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा और पॉइजन इंटर हो जाएगा तो फिर इन एंटीवेनम पिल्स का भी कोई यूज नहीं होगा। हालांकि जॉन को लगा कि ये पॉइजन उसकी बॉडी में धीरे धीरे इंटर कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉन को अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि गॉड इमॉर्टल लेवल के बारे में जॉन अभी भी बहुत कम जानता है और कम से कम जॉन अभी भी इतना ज्यादा दबाव महसूस नहीं कर रहा था। दोस्त अपनी यहाँ अचानक अपनी फिंगर को उठाकर उस पॉइजन निडल को सीधा ही जोयान की तरफ भेज देता है, जो हवा में कई बार घूमते हुए जॉन के पास आ गई होती है। निंग्याओ की पॉइजनस निडल का सामना करते हुए जॉन के चेहरे के इंप्रेशन एकदम शांत होते हैं। उसके पास बेहद पावरफुल थंडर थी, एक्सट्रीम थंडर जो जॉन को कभी भी किसी भी मूवमेंट से बचा सकती थी। इसीलिए जब निंग्याओ देखता है कि ये सुई निडल जॉन से केवल आधा हाथ की दूरी पर है, अचानक ही जोयान की फिगर गायब हो जाती है, जो देखकर निंग्याओ तुरंत ही कहता है डॉच, क्या सिर्फ तुम डॉच करना जानते हो, क्या आपकी लड़ाई की टेक्निक यही है, क्या आप में आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं। जॉन की स्पीड वास्तव में निंग्याओ के लिए एक सिरदर्द था। कुछ टाइम के लिए तो निंग्याओ भी जॉन की लोकेशन ट्रैक करने और उसे मारने में कैपेबल नहीं हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे जॉन को रोके, इसलिए वो जॉन को नाराज करने के लिए चारों तरफ पॉइजन छोड़ने और अपने वर्ड्स का यूज करने का यूज कर रहा होता है। तभी जॉन कहता है बॉडी में जो पॉइजन लिक्विड है वो काफी अजीब है, मुझे डर है कि एक ऐसी पावर है जिसका यूज केवल इमॉर्टल गॉड ही कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस पॉइजन में भी पावर ऑफ लॉ हो। पीछे हटते हुए जॉन अपनी बॉडी के अंदर के इस पॉइजन लिक्विड की जांच कर रहा होता है जो उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर गया था। साथ ही सोचते हुए जॉन पूरा अंदाजा भी लगा रहा होता है, और थोड़ी दूर तक पीछे हटने के बाद जॉन की फिगर अचानक ही पीछे हटना बंद हो जाती है और उसके बजाय जॉन थंडर पर कदम रखता है और कुछ चमक के बाद निंग्याओ के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद जॉन कहता है क्योंकि आप पाथ ऑफ पॉइजन को फॉलो करते हैं तो फिजिकल बॉडी आपका सबसे वीक पॉइंट है। जॉन की आवाज जैसे ही निंग्याओ के कानों में पड़ती है तो यहाँ पर जॉन के सामने निंग्याओ की फिगर एकदम चींटी की तरह लग रही होती है, क्योंकि जॉन 1000 फीट का हो गया होता है और जॉन की फिश सीधा ही निंग्याओ की तरफ बढ़ गई होती है। साथ ही दबी हुई आवाज के साथ जॉन की फिश ने निंग्याओ को पूरी तरीके से जमीन पर कुचल दिया होता है। निंग्याओ के मुंह से खून निकल रहा होता है जैसे कि वो बिल्कुल भी फाइट बैक करने में कैपेबल न हो। हालांकि जैसे ही निंग्याओ जमीन से टकराने वाला होता है अचानक ही वो एक पॉइजनस मेढक में बदल जाता है और जमीन पर पंच लगता है और अचानक ही एक तेज रोर होता है और निंग्याओ की फिगर वास्तव में किसी दूसरे प्लेस पे दिखाई देती है। साथ ही उसकी जो पूरी की पूरी फिगर होती है वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए और बड़े मुंह के साथ खून को उगलते हुए जा रही होती है। अपने पॉइजन के ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का यूज करते हुए भी निंग्याओ को अभी भी बहुत नुकसान हुआ था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी चोटों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि इनर बॉडी में भी काफी सीरियस इंजरी थी। तभी निंग्याओ कहता है यही वो मूवमेंट है, बहुत अच्छे। अचानक ही निंग्याओ एक्साइटेड हो गया होता है और जॉन की जो बॉडी होती है अचानक से पर्पल हो गई होती है, जैसे किसी तरीके का जीप पॉइजन जॉन की बॉडी के अंदर इंटर होकर फट गया हो, और इसमें अधिकांश जो पॉइजन था वो फिस्ट से टकराने के बाद आया था, क्योंकि निंग्याओ ने इसमें अपने लॉ ऑफ पॉइजन का यूज किया था।
लॉ ऑफ पावर का यूज किया था, जब उसने अपनी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया था। निंगयाओ तुरंत ही कहता है, मैंने इस पॉइजन मेढक के साथ अपनी दाओ पावर, यानी कि दाओ को कहते हैं पावर ऑफ लॉ या पाथ की पावर, जो उसने समझा है पॉइजन पाथ, मैंने एक पॉइजन मेढक के साथ पावर ऑफ लॉ को समझा था और उसमें एंटर किया था। हालांकि उस मेढक के टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारण मेरी बॉडी को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये आपकी बॉडी के डिफेंस को भी ब्रेक कर सकता है। मैंने कहा भले ही आज मैं मर भी जाऊं, मैं आपकी स्किन को जरूर ही छील दूंगा। निंगयाओ का अभी भी वही मूवमेंट था कि वो मरने वाला है, और ऐसा लग रहा था उसने डिसाइड भी कर लिया कि वो मरेगा ही, लेकिन वो जो यान को भी नहीं छोड़ना चाहता। साथ ही उसने स्टार्टिंग से जो भी अटैक किए वो सिर्फ उसके दिखावटी अटैक थे, मेनली तो वो जो यान के ही अटैक का वेट कर रहा था ताकि उसे जो यान की बॉडी को पॉइजन में डुबोने का मौका मिल सके। लेकिन जैसे ही निंगयाओ ने कहा वो खुद भी घायल हो जाएगा। हालांकि वो जो चाहता वो जो यान को मारना नहीं था, वो सिर्फ एक कड़ी लड़ाई करना चाहता था और जो यान को एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना चाहता था। हालांकि जो यान की जो बॉडी होती तुरंत ही नॉर्मल बॉडी में बदल जाती है और जियान पीछे की तरफ जाता है और पर्पल ब्लड की वॉमिटी करता है। तुरंत ही वो एंटी वेनम पिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है जो उसके मुंह के अंदर होती है। साथ ही जब उसे अपनी बॉडी के अंदर के पॉइजन की पावर का एहसास होता है, जियान तुरंत ही दो पिल निकाल कर उन्हें डिसाइडिंग तरीके से मुंह के अंदर डाल लेता है, क्योंकि इस टाइम पे जो यान कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। जो यान इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो यान ने पाया था कि ये जो पिल होती हैं, ये केवल पॉइजन के फ्लो को स्लो कर सकती थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये जो पॉइजन था निंगयाओ के पावर ऑफ लॉ से रिलेटेड था, जो कि एम्परर इमॉर्टल और गॉड इमॉर्टल लेवल के बीच का एक सीधा सीधा डिफरेंस था। यहाँ तक कि हाई लेवल की एंटी वेनम पिल भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब जो यान के पास जो टाइम था वो टाइम भी काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। जोयान को इसी लिमिटेड टाइम के अंदर ही अपनी बॉडी से इस पॉइजन को सॉल्व करना था या फिर निंगयाओ के मैटर को सॉल्व करना था। हालांकि जोयान अपनी बॉडी के पॉइजन के फ्लो पर ध्यान फोकस करने के बजाय यहाँ पे निंगयाओ को मारने की कोशिश करना चाहता था, और जोयान की बॉडी पे तुरंत ही ब्लैक लिक्विड चढ़ने लगता है, जो की ब्लैक गॉड आर्मर होता है जो नंबर 8 ने जोयान के लिए रिफाइन किया था। जोयान को अपनी बॉडी पर फैल रहे पॉइजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। जोयान तुरंत ही अपनी फ्लेमो को आर्मर के अंदर डाल देता है और एक कदम मांगे की तरफ निकाल देता है। निंगयाओ को ये भी पता था कि जोयान उसे अंतिम झटका देना चाहता है और बस अब उसे डिफेंस करना था, तब तक जब तक कि जोयान के अटैक का वो सामना कर सकता है, जब तक जोयान की बॉडी का ये पॉइजन उसे खुद ना मार दे। ये सेम वही चीज है कि बस फुटबॉल या हॉकी में एक गोल कर दो, उसके बाद आराम से वेट करो और डिफेंड करो जब तक कि टाइम ना निकल जाए, इसके बाद तुम खुद ब खुद जीत जाओगे। इस टाइम पे निंगयाओ काफी वाइल्ड तरीके से पीछे की तरफ हट रहा होता, अपने हाथ को लहरा रहा होता और पॉइजन ऑब्जेक्ट जोयान की तरफ फेंक रहा होता है। वो जोयान के अटैकों को रोकने की हर एक भरसक कोशिश कर रहा होता है। जोयान की फिगर निंगयाओ की आंखों में मिरर हो रही होती है, लेकिन अचानक ही जोयान की फिगर गोल्डन लाइटिंग में बदल जाती है जो एक सूरज की तरह होती है और गायब हो चुकी होती है, जिसके बाद अचानक ही निंगयाओ अपने सिर को उठाता और ऊपर आसमान से गिरते हुए फिस्ट अटैक को देखता, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे तारा आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा हो। यहाँ पे थंडर की जो आवाजें होती है वो इनफाइनाइट लग रही होती है और निंगयाओ द्वारा यूज किया गया सारा पॉइजन तुरंत ही नष्ट हो गया होता है। इस टाइम तक अब निंगयाओ को भी एहसास हो गया था कि जोयान अपने किलिंग इंटेंट ऑरे को शो कर चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जीभ की नोक को काटते हुए एक जेट तालिस्मान क्रिएट करता है और उसके सामने एक पाम अटैक क्रिएट होता है। साथ ही उसके ब्लड एसेंस को उस जेट तालिस्मान द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया था, और इसके बाद ये जो जेट तालिस्मान होता है अचानक ही साइन करता हुआ निंगयाओ के सामने 1000 feet की ब्लड शील्ड में क्रिएट हो चुका होता है। साथ ही निंगयाओ तुरंत ही अपने दोनों हाथों से शील्ड को एनर्जी देते हुए रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसे यकीन था कि वो जोयान के पंच को रोक पाएगा, और अचानक ही बूम की आवाज। यहाँ पे दोनों को देखते हुए दोनों की पावर लेवल और साइज अलग लग रही होती है। भले ही निंगयाओ ने यहाँ पे गॉड इमॉर्टल लेवल को तोड़ दिया हो, वो गोल्डन फैंटम बॉडी के पावर के साथ फ्यूज हो चुके जोयान की पावर का सामना कैसे कर सकता था। इसलिए भले ही इस ब्लड एसेंस की शील्ड ने जोयान के फिस्ट अटैक का सामना किया हो, वट आखिरकार एट द एंड ऑफ बैटल उस शील्ड को कुचल कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही निंगयाओ हवा से सीधा ही सनसनाता हुआ नीचे जमीन में गिरता, उसका चेहरा लाल हो चुका होता और मुंह से खून उगल दिया होता है, सामने के उसके दांत भी टूट चुके होते हैं और निंगयाओ पोपला हो चुका होता है, पोपला निंगयाओ। और ये देखते हुए कि वो फिर से जमीन में गिरने वाला है, निंगयाओ फिर से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता और ब्लड शील्ड के नीचे एक पॉइजन स्कॉर्पियन में बदल जाता है और अपनी लोकेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। हालांकि इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ने निंगयाओ की बॉडी पे काफी बोझ डाला होता है, और दूसरी बार इसका यूज करने के बाद उसकी बॉडी की आंतें और औकातें दोनों ही हैवीली डैमेज हो चुकी होती है, चेहरा पीला पड़ चुका होता है
और पीछे की तरफ जाते हुए निंग्याओ जुवा केसरी की लाल पिचकारी मारता हुआ जा रहा होता है, जमीन लालुम लाल कर दी होती है। इस टाइम पे ला जो निंग्याओ होता है उसके पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है, लेकिन तभी अचानक एक टकराने की आवाज आती है और निंग्याओ तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने पीछे ये जायंट फिगर आखिरकार थी कौन। लेकिन ये पीछे जो फिस्ट अभी अभी उससे टकराई थी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट चुकी हों। तभी निंग्याओ पीछे देखता है तो फोरहेड पर 9 चमकती हुई स्टार शील्ड को देखता है, जो देखकर निंग्याओ को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। जो यान जो एक सेकंड पहले उसकी शील्ड को ब्रेक कर रहा था वो अचानक ही उसके पीछे कैसे आ सकता है और इतनी जल्दी उसे कैसे पकड़ सकता है। जो देखकर वो तुरंत ही कहता है, योहाइनेस अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें इंजर्ड तो कर ही दूंगा। और अचानक एक धमाका होता है और उसके लेफ्ट हैंड से इमॉर्टल पावर शो होती है। जान का अटैक का सामना करते हुए निंग्याओ ने अपने लेफ्ट हैंड को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया होता है, जिसके अंदर काफी रिच स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल पावर भी होती है। साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन के इम्पैक्ट के कारण जान की जो बॉडी होती है अचानक स्टेबल हो गई थी और निंग्याओ जल्दी से पीछे हट गया होता है। हालांकि क्योंकि निंग्याओ ने जान की बॉडी को नहीं देखा, उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से महसूस हो रहा था जैसे जान उसके पास हो। हालांकि पीछे हटते हुए निंग्याओ अचानक ही पीछे स्टोन की वॉल से जाकर टकराता है, लेकिन निंग्याओ को अचानक याद आता है कि यहाँ पे तो कोई माउंटेन ही नहीं था। निंग्याओ तुरंत ही कहता है, यहाँ की फाइट में आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो चुका और माउंटेन थे नहीं, तो फिर अचानक से यह दीवार कैसे आई? क्या ये पत्थर की दीवार? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि निंग्याओ जब तक समझ पाता या रिएक्ट कर पाता बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और उसकी आंखों के बीच में अंधेरा छा चुका होता है, क्योंकि जिस चीज को उसने अभी अपने पीछे महसूस किया था वो कुछ और नहीं जो यान का हाथ होता है, जो यान की उंगलियों ने उसे पकड़ रखा होता है और पकड़ अचानक कड़ी हो चुकी होती है। निंग्याओ की तो इस कड़ी पकड़ के साथ चीखें निकल गई होती है। जो यान की चुटकी ने निंग्याओ की बॉडी को चकनाचूर कर दिया होता है, लेकिन साथ ही जो यान जो 1000 फीट लंबा होता है बुरी तरीके से कांप रहा होता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे सिकुड़ रही होती है और नॉर्मल साइज में बदल चुकी होती है। और जो यान तुरंत ही कहता है वाह और ब्लड की वॉमिटिंग कर देता है। जान की बॉडी का जो फॉयजन होता है जान की बॉडी को डैमेज कर रहा होता है और जान की बॉडी धीरे धीरे सूखना शुरू हो चुकी होती है। हालांकि निंग्याओ की बॉडी को जान ने चकनाचूर कर दिया था, मास्क का पेस्ट बना दिया था और अब यहाँ पे केवल एज़ोर हार्ट था जो यहाँ से उड़कर भाग रहा होता है जैसे वो इस जगह को छोड़ देने वाला हो। वो तुरंत ही कहता है, मेरे हेवेनली समनिंग पॉइजन का आनंद लें योर हाइनेस, ये आपको और आपके ऑरिजन गॉड को एक अच्छी मौत देने के लिए पर्याप्त होगा। इसके साथ आपकी बॉडी और आपका ब्लड धीरे धीरे सड़ने लगेगा और थोड़े टाइम के बाद ये आपको मारने के लिए भी पर्याप्त होगा। हवा में लटका हुआ जो एज़ोर हार्ट होता है यहाँ पे फुल एक्साइटमेंट के साथ मजे लेते हुए भाग रहा होता है। हालांकि उसने जॉन को तगड़ा झटका तो दिया था लेकिन रुकने का कोई इरादा नहीं था, वो नहीं जानता कि इस बार जो यान उसे मार सकता है या नहीं। लेकिन निंग्याओ यहाँ नहीं रुकना चाहता था क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। वो जानता था कि त्यानसून पहले से ही मारा जा चुका है और जुआन से रिलेटेड ये काम होना चाहिए, यानी दूसरे बर्ड में जुआन के पास उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। इसलिए इतना कहने के बाद उसका जो हार्ट होता है रेनबो में बदलकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन ऑब्वियसली एज़ोर हार्ट में बदलने के बाद निंग्याओ की जो स्पीड थी वो कम हो चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पे जुआन की हालत देखकर निंग्याओ ने भी अपने डिफेंस को वीक कर लिया होता है क्योंकि अब उसे डर नहीं था कि जुआन उसका पीछा कर पाएगा। लेकिन थ्री एंड फैमिली यहाँ आता है कहानी पे ट्विस्ट। निंग्याओ जो यहाँ पे भाग रहा होता है अचानक कहीं से एक डैगर आता है जो उसके भागते हुए दिल के ऊपर अटैक करता है। ये जो डैगर होता है पूरी तरीके से उसके दिल के अंदर बिल बिलाते हुए घुस गया होता है और एक बिल बना दिया होता है। निंग्याओ की अचानक ही चीखें निकलने लगती हैं। ये चीखें तो तुम लोगों ने बहुत सुनी होंगी, बस तो चीखों में कोई अंतर नहीं होता, सेम चीखें थी। और ये जो निंग्याओ की तीखे चीखें होती हैं ये एज़ोर हार्ट से आई होती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके दिल को चीर दिया गया और दिल के सामने फिगर को देखकर निंग्याओ काफी कंफ्यूज होता है। उसे नहीं पता था कि यह फिगर कहां से आई, साथ ही घबराहट के कारण उसने अपने होश को भी खो दिया होता है। वो तुरंत ही कहता है, नहीं, आप कौन है? गॉड द्वारा दिए गए मेरे इमॉर्टल हार्ट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, योहाइनेस भी नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निंग्याओ की जो चीखों की आवाजें होती है वो उसके एज़ोर हार्ट से निकल रही होती है और चिल्लाते हुए उसके हार्ट से नीला खून धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। साथ ही देखते ही देखते जैसे ये नीला ब्लड निकलता है खंजर के अंदर छेदा गया जो दिल होता है वापस से अपने रियल गोल्डन कलर में बदल गया होता है, जिसके बाद देखते ही देखते ये गोल्डन कलर भी उतर जाता है और दिल लाल कलर में हो जाता है। हालांकि ये दिल अभी तेजी से धड़क रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि खंजर के नीचे निंग्याओ की आत्मा छीन ली गई हो। हालांकि वो अभी भी बचने की आखिरी उम्मीद में होता है और अपनी सोल को इस हार्ट से बाहर निकलकर भागने लगता है।
लेकिन जैसे ही बेचारे की सोल बाहर आई होती है, अचानक ही काफी सारी इविल सोल्स ने उसे घेर लिया होता है। और इससे पहले कि कोई भी सोल या कोई भी बंदा उसे कोई ऑर्डर दे पाता, इन इविल सोल्स ने निंग्याओ की सोल के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते और उसकी बचने की आखिरी उम्मीद उसे खत्म कर दिया होता, क्योंकि इन सोल्स ने उसे स्वैलो कर लिया था। जिसके बाद इस किलिंग को अंजाम देने के बाद वो फिगर धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और सभी की नजरों के सामने आती है। यह फिगर कोई और नहीं बल्कि जोयान का सोल ईटर क्लोन होता है, जिसका जोयान ने काफी लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल नहीं किया था, बट इस टाइम पे जोयान ने पहले से ही से यहाँ पे छिपा दिया था इस डैगर के साथ, किसी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए। हालांकि इसका फिजिकल बॉडी तो स्ट्रांग नहीं था, लेकिन यह ताकत को बढ़ाने के लिए सोल का यूज करता था, जो उसके लिए ग्रेट टॉनिक जैसा था। हालांकि जोयान के सोल सप्रेसिंग फ्लैग के अंदर त्यान सून की सोल भी थी, जिसका यूज जोयान सोल ईटर क्लोन को ट्रेन करने के लिए कर सकता था। तभी अचानक चारों तरफ से तालियों की आवाजें आती हैं। बुरा नहीं, आप वास्तव में इमॉर्टल गॉड को हरा सकते हैं, आप बहुत मजबूत है। हालांकि जोयान की खुद की बॉडी और ओरिजिन गॉड क्लोन दोनों ही हैवीली इंजर्ड हो चुके थे और दोनों की हालत हद से ज्यादा खराब होती जा रही थी। और यहाँ पे एकदम बेहुदा बाहियात बदसूरत आदमी दिखाई देता है, जो अचानक ही बाहर आया होता है। जोयान इसे देखकर हैरान रह गया होता है, क्योंकि जोंगो और बाकी लोगों को छोड़कर यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए था, जबकि यह बंदा कुछ ही दूरी पर क्रॉस लग करके बैठा हुआ होता है, जहाँ पे निंग्याओ मर चुका था। साथ ही जोयान की बॉडी में जो बचा हुआ पॉइजन होता है वह एंग्री बुद्धा लोटस के फटने जैसा होता है। जोयान ने पहले से ही कुल मिलाकर 4 एंटी वेनम पिल स्वैलो कर ली होती है और जोयान के पास बची हुई जो पिल होती हैं, जोयान बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें भी मुंह के अंदर डाल लेता है और इनकी रिच मेडिसिनल पावर जोयान की बॉडी के अंदर मेल्ट होने लगती है। लेकिन इस पॉइजन का जो फ्लो था बिल्कुल भी नहीं रुका था। हालांकि जोयान की मूल रियल बॉडी के कंपैरिजन में ओरिजिन गॉड क्लोन की बॉडी में जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिससे न केवल उसका मास और ब्लड बल्कि पर्पल कलर का दिखाई दे रहा था, बल्कि धीरे धीरे डैमेज भी हो रहा था, जिससे उसके अंदर से एक सड़ी हुई लाश जैसी स्मेल आ रही होती है। साथ ही बाहर की बॉडी तो फिर भी ठीक, इनर बॉडी तो बस से बदतर होती जा रही होती है, जो देखकर जोयान कहता है इन पिल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं, आखिरकार इस पॉइजन को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि निंग्याओ ने जब अपने लेफ्ट हैंड को डिस्ट्रॉय किया था, तब उसका जो हेवनली पॉइजन था वो जोयान की बॉडी के अंदर एंटर कर चुका था। ऐसा लग रहा था उसे शुरू से यकीन नहीं था कि वो जोयान को हरा पाएगा, इसलिए उसने जोयान को धीरे धीरे मारने के लिए या जोयान को वीक करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस पॉइजन की जो स्ट्रॉन्ग पावर थी वो जोयान की इमेजिनेशन से ज्यादा थी। हालांकि जोयान मेंटली प्रिपेयर था, लेकिन निंग्याओ का पॉइजन उतना भी इजी नहीं था जितना कि जोयान ने सोचा था। आखिरकार इस हेवनली समनिंग पॉइजन के अंदर पावर ऑफ लॉ है, जिसे स्पष्ट तौर पर समझा गया था निंग्याओ के द्वारा, इसलिए इसे नॉर्मल एंटी पॉइजन पिल के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। भले जोयान ने सभी पॉइजनस पिल्स को स्वैलो कर लिया हो, ओरिजिन गॉड बॉडी और जोयान की रियल बॉडी दोनों में पॉइजन तेजी से बढ़ रहा होता है। फिलहाल जोयान का केवल सोल ईटर क्लोन इस पॉइजन के इफेक्ट से फ्री था, जिसके बाद जोयान हवा में अपर हुई फिगर को देखने के लिए अपना सिर घुमाता है और अचानक ही हैरान रह जाता है, क्योंकि यह आबाद झुके हुए शरीर, पतली बॉडी और बेहद बदसूरत शक्ल वाले आदमी की होती है। एम्परर इमॉर्टल लेवल पर एंटर करने के बाद से जोयान ने कभी भी इतने लॉन्ग टाइम से किसी भी बदसूरत बंदे को नहीं देखा, क्योंकि कोई भी अपनी सकल सूरत पावरफुल होने के बाद बदल लेता है, यहाँ तक कि काला सुअर भी सुंदर हिरण बन के घूम सकता है। साथ ही इस बंदे की अचानक प्रेजेंस ने जोयान को थोड़ा सा अजीब भी महसूस करा होता है और इसकी बदसूरती ने जोयान को और अजीब महसूस करा होता है। जोयान तुरंत कहता है, क्या सीनियर, आप मुझे जानते हैं? जोयान सोल ईटर क्लोन का यूज करके उससे बात कर रहा होता है और उसे प्रणाम कर रहा होता है, क्योंकि अब जोयान बुरी सिचुएशन में था, उसे नहीं पता था कि यह बंदा दोस्त है या दुश्मन और आखिरकार इसका थॉट क्या है। जो देखकर यह बदसूरत आदमी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, और हंसते हुए उसकी बदसूरत स्माइल के साथ उसकी स्माइल और भी ज्यादा बदसूरत होती है, यहाँ तक कि जोयान का मन तो उसके ऊपर थूकने का कर रहा होता है। जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, फिर आपका यहाँ होने का क्या मतलब है सीनियर? जोयान क्या के काफी उदास थी, क्योंकि वो अपने शरीर पर किसी भी तरीके से ऑरे का उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सकता था, यानी कि इस बंदे की पावर लेवल जोयान महसूस नहीं कर पा रहा था, और जब तक ये मामला था जोयान सिर्फ एक ही अंदाजा लगा सकता था कि इस बंदे की पावर उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। उसकी पावर उस लिमिट के क्रॉस है जिसे जोयान समझ सकता है या सेंस कर सकता है, यानी कि जैसा कि उम्मीद है तो इस बदसूरत आदमी की पावर भी निंग्याओ की तरह एम्परर इमॉर्टल लेवल के ऊपर होनी चाहिए। हालांकि जोयान को उसकी प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, भले ही वो यहाँ पे निंग्याओ के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसकी डोमेन लेवल की स्पिरिचुअल पावर आसपास के एटमॉस्फेयर को लॉक किए हुए थी। जोयान को पता भी नहीं चला कि यह बदसूरत आदमी कब आया। साथ ही जोयान का पहला रिएक्शन ये था कि यह बांजी की तरह ही दिख रहा है जो जोयान को पहले दिखा था या जिससे जोयान पहले फाइट कर चुका है। जोयान को लग रहा था शायद ये ग्रेट प्लेस से ही कोई पर्सन होना चाहिए। जोयान तुरंत ही हैरान हो जाता है। हालांकि वास्तव में जोयान इस टाइम पे काफी बड़ी प्रॉब्लम में था। निंग्याओ के साथ फाइट के बाद जोयान ने खतरनाक फाइट एक्सपीरियंस की थी और बॉडी की हालत अभी भी अच्छी नहीं थी,
साथ ही उसकी बॉडी का सोल्यूशन भी नहीं किया गया था। तभी वो बंदा तुरंत ही कहता है, घबराओ मत, मैं भी यहाँ दूसरों के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यहाँ मारने के लिए हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मौत डरावनी नहीं होगी, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बस चक्कर आएगा, तो आराम करो बच्चे। जॉन तुरंत ही कहता है, बदसूरत आदमी। और इतना कहने के बाद जॉन तुरंत ही खड़ा हो गया होता है। लेकिन जैसे ही जॉन ने अपना मुंह खोला होता है, उसे लगा होता है जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने उसे पकड़ लिया है। घुटन और मौत के तेज प्रेशर ने जॉन को घेर लिया होता है, न केवल सोल ईटर क्लोन को बल्कि जॉन की रियल बॉडी को भी। काफी खतरा महसूस हुआ होता है। हालांकि यहाँ पे जो सोल ईटर क्लोन होता है वो गायब हो गया होता है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पे ओरिजिन गॉड होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ओह इससे तो बहुत बदबू आ रही है, जैसे ये लाश सैकड़ों सालों से सड़ रही हो, क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है? उस आदमी ने अपने हाथ को नाक से दबा लिया होता है, चेहरे पे बदसूरत इंप्रेशन और भी ज्यादा बदसूरत हो चुके होते हैं। हालांकि जॉन को भले ही पता हो कि उसके सामने वाले पर्सन के बुरे इरादे हैं, उसकी जो मेन बैटल पावर थी वो ओरिजिन गॉड का क्लोन ही था, जो अभी पॉइजन से इन्फेक्टेड था और जॉन उसका यूज नहीं कर सकता था। तब यह खूसड़ बुद्धा तुरंत कहता है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन में लॉ ऑफ पावर है, और ऐसा कोई भी मेथड नहीं जो लॉ ऑफ पावर को क्योर कर सके। मुझे लगता है 3 दिनों के भीतर ही इसे खून के पूल में बदलकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो अपने आप ही मर जाओगे और यह बात तुम्हें काफी बोरिंग है। यहाँ पे बदसूरत आदमी काफी ज्यादा नाराज हो रहा होता है और वो अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए तुरंत ही थॉटफुल तरीके से जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तुम बस मुझे अपनी मदद करने दो। जिसके बाद वो आदमी जॉन के पास आता है और जो यान के ऊपर अपनी फिंगर को रखता है और एक इनविजुअल पावर जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है, और जो यान की बॉडी के अंदर घूम रहे जो ये पॉइजन लिक्विड होता है, ये जॉन की डेंटियन के अंदर कंडेंस होने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इस पॉइजन लिक्विड को बाहर निकाल रहा है, लेकिन निंग्याओ के पावरफुल पॉइजन को इस बंदे ने जॉन की बॉडी के अंदर ही दबा दिया होता है और एक पॉइजन पिल में बदल दिया होता है। जॉन की बॉडी के पॉइजन को सप्रेस करने के बाद ये आदमी जॉन के ओरिजिन गॉड क्लोन के अंदर जाता है और जॉन की क्लोन की बॉडी जो ज्यादातर सड़ चुकी होती है, ये फिर उसके सिर को दबाता है और इसकी वाइड बॉडी के अंदर के फैले हुए पॉइजन को भी ये आखिरकार एक पिल में बदल देता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस आदमी का इरादा क्या था। जॉन स्टैम्प इसकी हरकतों को देखकर काफी हैरान लग रहा था। जॉन की बॉडी में अब तक ये फैले हुए किसी भी पॉइजन को जो अब तक जॉन की बॉडी में था, उस सब को निकाल कर इस बॉडी में पॉइजन पिल में कंडेंस कर दिया गया था, जिससे जॉन की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है एकदम प्योर हो चुकी थी। साथ ही क्योंकि अब ये पॉइजन पिल उनकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये जॉन की बॉडी के अंदर पॉइजन को कंडेंस कर सकती है, तो अगर फ्यूचर में भी जॉन को या उसके ओरिजिन गॉड क्लोन को पॉइजन दिया जाता है, तो अब जो यान को पॉइजन से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी जब तक कि पॉइजन इस पिल से ज्यादा स्ट्रांग ना हो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब जो यान का जो पॉइजन ओरिजिन गॉड क्लोन था, उसे पॉइजन के डर से डरने की जरूरत नहीं थी? तभी अकुसर बुड्ढा तुरंत ही कहता है, तुम्हारी बॉडी के पॉइजन को मैंने हटा दिया है, तो अब जल्दी करो और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप को ठीक कर लो, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मारना है। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय थ्रियन फैमिली, गुड आफ्टरनून, वैसे गुड मॉर्निंग यार, मॉर्निंग ही ये वीडियो मिल जाएगा तुम लोग को 1-2 मिनट पहले। बाय बाय।